ये भी बाबा के दर्शनों के लिए गए थे, पास हो गए, पास लाए थे, फिर क्या हुआ? डंडे मार रहे हैं हमारे को, अंदर नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे दिल्ली पुलिस वाले, आतंक फैला रखा है इन्होंने। ये तो कह रहे हैं अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ मैं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के बाप और माँ है, पटेल हाउस में वो है मैम, उसकी भी नहीं सुन रहे, प्रार्थना करेंगे आपके टोटल प्रश्नों को। डंडे मार रहे हैं, क्या नाम आपका? अनिल कुमार राय। क्या कहना चाहोगे? एंट्री नहीं हो रही अंदर, एंट्री नहीं हो रही भाई, भीड़ बहुत हो रही है। जी जी, क्या कहूँ, निराश तो नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं दिल्ली में और दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में खड़े हैं और भीड़ आप देख लीजिए, बागेश्वर धाम सरकार आज आई है। राम राम माता जी। राम राम, कैसे हो? बढ़िया। आज यहाँ आए हो, बागेश्वर सरकार यहाँ आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मिलना चाह रहे हैं हम, और मिल के ही जाएंगे, बुलाएंगे हमें। पक्का? पक्का। लेकिन अंदर तो एंट्री नहीं कर, हमें भरोसा है, खुद खींच लेंगे हाथ पकड़ के, बहुत भरोसा विश्वास है। ये गुड़िया आई है, इससे पूछेंगे। सीताराम। सीताराम, कब से जुड़े हो बागेश्वर से? एक साल हो गया। एक साल हो। अच्छा, कहीं बोलते हैं तो झूठा ड्रामा करते हैं ऐसे? नहीं 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 नहीं, हमें बहुत भरोसा है। भरोसा है? हाँ। आजमा के देखा है? हाँ। तो ये भारत की जनता देख रही है, सनातनी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, बहुत बड़े और तरक्की होए, खूब अच्छी तरक्की करे, खूब बड़े हमारे गुरुजी, और हमें बुलाए हाथ पकड़ के फटाफट। लेकिन आंटी अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहूँ, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है। हम ना होंगे, वो हमारे लिए अपने आप करेंगे। हमारे बागेश्वर धाम सरकार की इतने भक्त है की वो मजबूरी है, जो अंदर जगह ही नहीं है। हमारी एक दोस्त की लड़की है आभा नाम की, उसकी अर्जी लगी है, अभी हम उसको भेजे हैं गुरुजी के पास। अच्छा, अच्छा। और गुरुजी का मतलब बहुत ही सुच्चा जो है कि राह है, जो भक्तों को हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। कहीं ऐसा बोल देते हैं कि वीवीआईपीओ को एंट्री है, वैसे नहीं दे रही। वो सिर्फ जलते हैं, वो सिर्फ जिनके चरणों में। आप बाबा के दरबार में यहाँ पर पहुँचे हैं, गेट बंद मिला, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे? हम जरूर अंदर जाएंगे, पूरा भरोसा है हमें बागेश्वर जी पे। विश्वास क्यों है बाबा पर? है भरोसा, एक साल से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत भरोसा। क्या पहले भी कभी मिले हो बाबा जी से? नहीं, ये पहली बार है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही आए हो। लेकिन इतना लेट कैसे हो गया, आप तो दिल्ली से ही हो। हमें थोड़ा जाम मिल गया था, इसलिए टाइम मिल गया। भीड़ को देखकर क्या कहेंगे, जो इतनी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं बाबा के दर्शन? जी जी बिल्कुल, बागेश्वर धाम की दीवानी है बाबा की। बोल बागेश्वर धाम की। एंट्री नहीं हो रही भाई, भीड़ बहुत हो रही है। जी जी, क्या कहूँ, निराश तो नहीं हो? नहीं, निराश बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा गाड़ी में ही देख के खुशी हो गई, कहाँ दर्शन हो गए। लाइव देखा? गाड़ी में देखा था, हमारे सामने से गाड़ी निकली थी बिल्कुल। तो कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, वैसे तो शांति मिल रही है शरीर को, शांति मिल रही है, हमें दर्शन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है वैसे, कब से जुड़े हो? और गर्मी भी नहीं लग रही, ऐसी खुशी हो रही है कि गर्मी भी महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ सही बैठे हैं, बिल्कुल नहीं तकलीफ। ये बोल रहे की पुलिस अंदर नहीं आने दे रही, तो नहीं नहीं नहीं, पुलिस की कोई गलती नहीं है, इतनी पब्लिक है तो पुलिस क्या करेगी उसमें। प्रशासन तो बढ़िया है, हम तो यहीं से आए, मौजपुर से। मौजपुर से। राम राम। राम राम, जय सीताराम। बहुत अच्छे, बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ बैठे आराम से, दर्शन हो गए हमें। अच्छा, एंट्री नहीं मिल रही, कैसा लग रहा? कोई बात नहीं, हमें दर्शन हो गए, एंट्री की जरूरत नहीं है। बाबा जी हो गए गाड़ी में, क्या कहना चाहोगे बाबा जी को? इतनी भाई पब्लिक है, सिक्योरिटी भी क्या करेगी, क्या इतनी पब्लिक को कहाँ ले जाएगी, अंदर जब जगह नहीं है। दुनिया इतनी दीवानी है बाबा की, क्या कहना चाहोगे? बस वो तो ऊपर वाले की दीवानी है, कृपा है ये तो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की कृपा है। बानर सेना। हाँ, बानर सेना बागेश्वर बाबा जी की। हिंदू राष्ट्र बदल रहा है, जाग रहा है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान, बागेश्वर धाम की जय, जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे आंटी? सुबह की आ भी दर्शन भी, राष्ट्र की, सनातन धर्म की, भगवान सीताराम की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हो भैया? यही दिल्ली से, जहांगीरपुर से। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहोगे? एंट्री नहीं मिल रही, इतना क्राउड बाहर खड़ा, क्राउड है। वो बाबा के भगत इतने, उनकी कृपा इतनी है पब्लिक के ऊपर, उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतनी कम एज में इतने अनुयायी है, क्या कहना चाहोगे? ये तो चमत्कार है बाबा के ऊपर, बालाजी महाराज। सच में कोई चमत्कार है या फिर मतलब
वैसे ही फॉलो कर रही है क्या? नहीं, ये सच्चाई है कि सच में ही चमत्कार है। बाबा का चमत्कार देखा कभी? बिल्कुल, आप मैं यूट्यूब पर रोज देखते हैं, आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से रोज देखते हैं। नहीं, जान पूछ के देखा है, जहाँ के यहाँ है धीरेन शास्त्री जी, वहाँ के रहने वाले मैं भी, यानी पास का हूँ, 60 किलोमीटर दूरी के, मगर मान के चलो जो बोलते हैं वो सच है, सच्चाई है। हाँ, आजमा है मेरा बच्चा, ये उन्हें उन्हीं का दिया हुआ है, यानी मान के चलो ये बच्चा उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, धीरेन्द्र गुरु शास्त्री गुरु की अकल, यानी उन्हीं ने दिया है मेरा बच्चे की मुक्ति, यानी मरने वाला हो गया है, बीमार हो गया था, कोई उपाय नहीं था, अस्पताल में बीमारी से गुजर गया मैं, लाखों करोड़ों मान के चलो जितनी क्षमता थी उतनी लगा चुका था, उन्हीं को मानते हैं, जिएंगे ज्वला उनके चैनों में, मरेंगे तो उनके चैनों में। हर स्थल पे जाते हो जहां बाबा जी हैं? हर स्थल पे जाते, हर साल पे जाते हैं, जब भी गांव जाते हैं यहां दिल्ली से तो भी जाते, दिल्ली में ही रहते? हाँ, दिल्ली में रहते। बेटे को क्या हो गया था? बेटे को ये हो गया था क्या, ऊपरी चक्कर में फंसा दिया था। अच्छा, तो उन्हीं ने सुरक्षा करके उन्हीं ने ठीक किया है। बाबा से मैं 2.5 साल से जुड़ा हूँ। तो क्या बिल्कुल मौत के मुंह से बचा? हाँ, मौत के मुंह से बचाया है मैंने लड़के को, मैं झूठ नहीं, ये कई लड़का है मेरा। अच्छा, इसी चक्कर में मैं एक लड़की को धोखे बैठ गया, यानी 18 साल की लड़की शांत हो गई थी। अच्छा, मैं फिर वही चक्कर ये लड़के को आया। अच्छा, तो इससे मेरा उन्हीं ने मेरे लड़के का जन्म जीवित। बच्चे को लेकर इतने दुखी हो रहे हो? बच्चे को लेकर दुखी हो रहे हम, भगवान परमात्मा की कृपा है, साक्षात बालाजी की। अच्छा, क्या आजमाया कभी? हम दो बार दारी बागेश्वर। अच्छा, बागेश्वर बालाजी की इतनी कृपा है, जो वहाँ जाता है वही माला माल हो जाता है। क्या दिक्कत थी बेटे के साथ? क्या दिक्कत थी बेटे के साथ? कोई दिक्कत नहीं, बस भगवान का भाव है हमारे अंदर। अच्छा, हम उस परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, बागेश्वर बालाजी कृपा है। आज इतनी भीड़ है अंदर एंट्री नहीं होती, क्या कहना चाहोगे? ये भगवान की कृपा है, तो उसके बंदे क्या कोई दुख नहीं है बाहर खड़े हो? नहीं, कोई दुख नहीं। अच्छा, यहाँ तक आए वही बहुत है, यहाँ तक आके बाबा ने बुला लिया, बहुत अच्छा है। जय बोलो बागेश्वर धाम, बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय। ठीक, अच्छा आज आप दिल्ली आए हो, बागेश्वर धाम सरकार भी यहाँ आई हुई है, लेकिन एंट्री नहीं हो रही, क्या कहना चाहोगे? एंट्री नहीं, हमारे तो गुरुजी के दर्शन हुए हैं। अच्छा, मैं घर से हलवा बना के लाई थी, मैं और मेरी बेटी। अच्छा, तो हमने सोचा आज मतलब बालाजी से बोल के आए, प्रार्थना करके कि हमारा प्रसाद लें। जी, और गुरुजी ने गाड़ी यहाँ रोक के और हमारे से प्रसाद लिया हलवे का। अपने आप उम्मीद नहीं थी? मतलब उम्मीद करके आए थे हम घर से, मतलब ऐसे मन में दिल में आया था, मंदिर में जाके आए थे, हमने उम्मीद सोचा था कि आज हमारी जरूर सुनेंगे। जी, और सुनी। अच्छा एक बात बताओ, कथा का पागल कौन कौन है? तो कथा में कौन कौन आएगा? आज की कथा 4:30 बजे हम शुरू करेंगे, 3 तो बजी है, जल्दी निबट पर होकर के 4:30 बजे हम प्रारंभ करेंगे। तो कौन कौन कथा का पागल है? पक्का कल भी कथा लगी। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? हमारे नाम से किसी भी मंडल को, किसी भी कथा आयोजक को, आपको कोई भी दान शुल्क नहीं देना है, इस चक्कर में कि मिलने के चक्कर में या VIP के चक्कर में या पास के चक्कर में, किसी भी प्रकार की ऐसी फैसिलिटी धाम के द्वारा नहीं दी जाती है, इसके जिम्मेदार बनना आप।